हेलो दोस्तों, मैं ललित वर्मा एलवी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में कक्षा 12 फिजिक्स का जो है अनसॉल्व पेपर सॉल्व करवाऊंगा। और ये जो है 2018 के दूसरे सेट का तीसरा वीडियो है। अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कराए गए थे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करवाऊंगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें लिखा है कि संलग्न चित्र में, ध्यान दीजिए चित्र आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, इसमें लिखा है कि संलग्न चित्र में यदि धारा मापी कैपिटल जी में कोई विक्षेप नहीं है तो इस दशा में प्रतिरोध कैपिटल आर का मान तथा इसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो आपको धारा का मान ज्ञात करना है, इसके अलावा प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ पर आपको ये प्रतिरोध दिया गया 15 ओम, इससे आप लिखेंगे P बराबर 15 ओम। इसके बाद ये दूसरा प्रतिरोध दिया गया, इससे आप लिखेंगे Q बराबर 30 ओम। और यहाँ पर ये एक और प्रतिरोध दिया गया, इससे आप लिखेंगे H बराबर 6 ओम। और यहाँ पर R का मान जो है वो ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग व्हीटस्टोन सेतु का नियम लगाएंगे, यानी कि पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस, इतना लिखेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, पी का मान यहाँ पर लिखेंगे 15, Q का मान आपको दिया गया है 30 बराबर R, और बटे में यश का मान हो जाएगा 6, इतना लिखेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए, 15 एक कम 15, 15 दूनी 30, यानी कि यहाँ पर ये आएगा 1/2 बराबर R बाई 6। तो जब यहाँ से हम लोग R ज्ञात करेंगे तो 6 का इधर गुणा हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 6/2। जब 2 से इसको भाग करेंगे तो 2 3 6, यानी कि R का मान आ गया यहाँ पर 3 ओम। तो ये पहला आंसर आ गया, यानी कि प्रतिरोध का मान आया है यहाँ पर 3 ओम। अब इसके अलावा यहाँ पर आपको धारा ज्ञात करनी है। तो अब धारा के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर धारा I1 प्लस I2, और इस बिंदु पर आने के बाद धारा दो भागों में बट गई, यानी कि I1 प्लस I2, ये दोनों अलग अलग हो गए। तो ध्यान दीजिए, पहले हम लोग यहाँ पर I1 ज्ञात करेंगे। तो सूत्र होता है I बराबर V/R। तो I बराबर V का मतलब यहाँ पर A और C के बीच का विभव, इतना लिखेंगे। और बट्टे में ध्यान दीजिए, जो I1 धारा जा रही है वो इस प्रतिरोध से जाएगी और आगे इसके बाद इधर से भी होके जाएगी। तो यहाँ पर प्रतिरोध में हम लोग लिखेंगे बट्टे में 15 प्लस R, यानी कि V/R, सूत्र होता है V/R। तो यहाँ पर प्रतिरोध जो दिया गया ये 15 ओम, और इसी के आगे श्रेणी क्रम में लिखा है R, इसलिए यहाँ पर 15 प्लस R इस प्रकार से लिखेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, A और C के बीच का विभव आपको दिया गया है 6, यहाँ पर हो जाएगा 6। इसके बाद 15 प्लस R का मान अभी हम लोगों ने ज्ञात किया 3, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 6/15 और 3 मिलके 18। जब 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा यहाँ पर I1 बराबर 6 कम 6 और 6 3 18, यानी कि I1 का मान आ गया है 1/3 एम्पियर। इसी प्रकार आप यहाँ से दूसरा मान ज्ञात करेंगे, यानी कि I2 का। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे आप I2 बराबर, फिर यहाँ पर होगा A और C के बीच का विभव, और बट्टे अब की बार ध्यान दीजिए I2 यहाँ पर 30 ओम और 6 ओम। तो यहाँ पर बट्टे में लिखा जाएगा 30 प्लस 6, यानी कि A और C के बीच का विभव होगा 6, यहाँ पर ये जुड़ के हो जाएगा 36। इसको भाग करेंगे तो 6 कम 6, और ये हो जाएगा 6 6 36, यानी कि I2 का मान आया 1/6 एम्पियर। तो इस प्रकार यहाँ पर ये धारा के मान हो जाएंगे और प्रतिरोध का मान हो जाएगा 3 ओम। और ध्यान रखिएगा, इस अंतराल में इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो रॉन्ग दिया हुआ है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर खा, इसी का क्वेश्चन नंबर खा यहाँ पर दिया गया है इसमें कि विस्थापन धारा से क्या तात्पर्य है, व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आपको विस्थापन धारा किसे कहते हैं इसके बारे में बताना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं विस्थापन धारा। तो याद रखिएगा, विस्थापन धारा को प्रदर्शित करते हैं आई डी से, इसे लिखा जाता है आई डी से। इसका सूत्र होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई, और बटे में होता है डी टी। तो ये यहाँ पर विस्थापन धारा का सूत्र होता है, इसे आई डी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट है, इसके बाद होता है डी फाई ई बटे डी टी। यहाँ पर डी फाई ई और बटे डी टी दो दिया गया है। इससे बोलते हैं संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत फ्लक्स की दर, ये याद रखेगा। तो विस्थापन धारा की परिभाषा के लिए आपको बताना है कि एम्पियर के परिपथी नियम को संधारित्र में सतत बनाने के लिए मैक्सवेल ने बताया कि जब किसी संधारित्र के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान परिवर्तित होता है तो उसमें एक धारा उत्पन्न हो जाती है, और जो धारा उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं विस्थापन धारा। याद रखिएगा, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसी प्रकार से आपको इसमें लिखना है कि एम्पियर के परिपथी नियम को संधारित्र आदि में सतत बनाने के लिए मैक्सवेल ने बताया कि संधारित्र के अंदर वैद्युत क्षेत्र के परिवर्तन के कारण धारा उत्पन्न हो जाती है, जिससे विस्थापन धारा कहते हैं। इसे आईडी से
प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता होती है। इसके अलावा डी फाई ई बटे डी टी, इसे बोलेंगे यहाँ पर संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत फ्लक्स के परिवर्तन की दर। तो ये इतना होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए इसी का क्वेश्चन नंबर गा, इसमें यहाँ पर दिया हुआ है कि एक प्रसारण केंद्र से 300 मीटर तरंग दैर्ध्य वाली तरंग प्रसारित की जा सकती है। एक 2.4 माइक्रोफैरड धारिता वाला संधारित्र उपलब्ध है। अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक कुंडली के प्रेरकत्व का परिकलन कीजिए। तो इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा था प्रसारण केंद्र से 300 मीटर तरंग दैर्ध्य, यानी कि आपको तरंग दैर्ध्य यानी कि लेमडा का मान दिया गया है 300 मीटर, इतना दिया हुआ है। इसके अलावा ध्यान दीजिए धारिता दी गई है आपको यहाँ पर, सी का मान दिया हुआ है 2.4 माइक्रोफैरड। इसको यहाँ पर फैरड बदलेंगे तो ये हो जाएगा 2.4 गुणे 10 की घात -6 फैरड, इस प्रकार से इतना हो जाएगा। और यहाँ पर आपको प्रेरकत्व यानी कि एल का मान जो है ज्ञात करना है। तो अब ध्यान दीजिए सूत्र होता है आवृत्ति का, आवृत्ति बराबर सी अपान लेमडा, इतना होता है। यहाँ पर जो सी है ये प्रकाश की चाल है, याद रखिएगा यहाँ पर सी प्रकाश की चाल है और ये कैपिटल सी दिया हुआ है, यहाँ पर ये धारिता है। तो यहाँ पर हम लोग प्रकाश की चाल का मान रखेंगे यानी कि 3 × 10^8 बटे में लेमडा, लेमडा का मान आपको दिया गया है 300, इससे आप कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा यहाँ पर 100 बार। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर 10^8 बटे में आप 100 को लिख सकते हैं 10^2, जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आएगा फिर 10^6। तो ये मान यहाँ से आवृत्ति का आ गया यानी कि f का मान आ गया 10^6। अब इसके बाद ध्यान दीजिए सूत्र होता है f बराबर 1/2π√LC, इतना होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जब इसमें हम लोग मान रखेंगे यहाँ पर, तो f का मान यहाँ पर रखना है आपको 10^6, इतना होगा। इसके बाद 1/2 यहाँ पर हो जाएगा 2, पाई का मान लिखेंगे 3.14, इसके बाद √L/C का मान आपको ये लिखना है 2.4 × 10^-6, इतना होगा। अब इसके बाद यहाँ पर इसका हम लोग वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं वर्ग करने पर, ध्यान दीजिए यहाँ पर जब वर्ग करेंगे तो ये है 10^6 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर 1/2 इधर वर्ग करेंगे तो ये आएगा यहाँ पर 2 का वर्ग हो जाएगा 4। इसके बाद दिया गया 3.14, तो यहाँ पर 3.14 का होल स्क्वायर, बाकी यहाँ पर 2 का स्क्वायर भी लिख सकते थे या फिर 2 × 4 लिख दिया गया। यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा और ये आएगा L/2.4 × 10^-6, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको L का मान ज्ञात करना है, तो L इधर लाएंगे गुणे में और ये संख्या बटे में लाएंगे। तो अब ध्यान दीजिए जब यहाँ से हम लोग L ज्ञात करेंगे तो L इधर आ गया और ये संख्या बटे में जाएगी, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 1/2। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर 4 का गुणा हम लोग इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 × 16, इसके बाद 4 × 2 = 9, यानी कि ये आएगा 9.6, इतना हुआ गुणे। इसके बाद ध्यान दीजिए 3.14 दिया गया, इसका यहाँ पर हम लोग वर्ग करेंगे, तो जब इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9.8596, इतना यहाँ पर इसका वर्ग हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 10^12, 10^12 यहाँ पर आ जाएगा, तो 10^12 और गुणे में यहाँ पर दिया गया है 10^-6, इतना होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए एल बराबर 1/2, इतना होगा। यहाँ पर इसका गुणा किया जाएगा तो इसका गुणा करने पर यह आएगा 94.65, इसको शुद्ध करके आप इतना लिख सकते हैं, इतना आएगा और गुणे में हो जाएगा 10^6, ये इतना होगा। इसके बाद जब इसको हम लोग यहाँ पर भाग करेंगे तो भाग करने पर इसका मान आएगा 0.0106 गुणे ये ऊपर जाएगा तो 10^-6, इतना होगा। इसके बाद L बराबर ये 0.2 अंक हम लोग दाएं तरफ ले जाएंगे तो 1.06 × 10^-8, यहाँ पर 0.2 अंक आगे गया तो यहाँ पर -2 और बढ़ जाएगा, तो ये L का मान आ गया 1.06 × 10^-8। यहाँ पर हम लोग प्रेरकत्व ज्ञात कर रहे थे, इसका मात्रक होता है हेनरी, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। या फिर इसे ही ध्यान दीजिए यहाँ पर इसे आप लिख सकते हैं L बराबर 0.01, यानी कि जब शुद्ध करेंगे तो 0.01 × 10^-6 हेनरी, यानी कि इसे आप लिख सकते हैं 0.01 × 10^-6 का मतलब माइक्रो हेनरी। तो इस प्रकार से इसका आंसर इतना आ जाएगा। तो चाहे तो आप इतना लिख सकते हैं या फिर अगर माइक्रो में बदल के लिखना चाहते हैं तो इतना लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए इसी का क्वेश्चन नंबर घा, इसमें यहाँ पर दिया गया है कि निलंबित चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत लिखिए तथा इसकी धारा सुग्राहिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको यहाँ पर निलंबित चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत बताना है। इसके अलावा धारा सुग्राहिता के लिए यहाँ पर आपको व्यंजक ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसमें निलंबित
चल कुंडली। इस प्रकार से यहां पर लिख सकते हैं। आपको यहां पर इसका सिद्धांत बताना है, तो यहां पर आप लिखेंगे सिद्धांत। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि निलंबित चल कुंडली होती क्या है। तो आप बता सकते हैं कि यह वैद्युत धारा के मापन तथा संसूचन के लिए प्रयोग होने वाला उपकरण है। याद रखिएगा कि यह वैद्युत धारा के संसूचन एवं उसके मापन के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण होता है। तो यहाँ पर निलंबित चल कुंडली के द्वारा जो है वैद्युत धारा का संसूचन और उसका मापन किया जाता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसका सिद्धांत। तो सिद्धांत से पहले आप यहाँ पर इसकी बनावट देख लीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें T1 और T2 यहाँ पर ये दो संबंधक पेंच लगाए गए हैं। और इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर ये मरोड़ टोपी लगी हुई है। और इस मरोड़ टोपी के नीचे ध्यान दीजिए यहाँ पर फास्फर ब्रांच की एक तार लगी होती है। और इसी तार के द्वारा यहाँ पर जो है तांबे की एक कुंडली को जो है वो लटकाया जाता है। और इस कुंडली के निचले सिरे पर ध्यान दीजिए यहाँ पर एक ये स्प्रिंग लगी होती है। और इस कुंडली के दोनों सिरों पर एक N और S दो यहाँ पर जो है चुंबकीय ध्रुव रखे गए हैं, एक N और दूसरा S। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये फ्रेम है। और इस फ्रेम के अंदर यहाँ पर जो है इसे हम लोग एक पटलित क्रोड बोल सकते हैं। यहाँ पर जो होता है इसे बोलते हैं पटलित क्रोड। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो है पटलित क्रोड होगी। तो इसके सिद्धांत के लिए ध्यान दीजिए, आप लोग इसमें बताएंगे कि धारा मापी के दोनों संबंधक पेचों यानी कि T1 और T2 को जो है किसी धारावाही परिपथ से जोड़ते हैं। याद रखिएगा धारा मापी के दोनों संबंधक पेचों T1 और T2 को जो है पहले किसी धारावाही परिपथ से यहाँ पर हम लोग जोड़ते हैं। जब इसे धारावाही परिपथ से जोड़ देंगे तो यहाँ पर जो कुंडली लगी है इस कुंडली में जो है धारा प्रवाहित होने लगती है। और यहाँ पर ये जो कुंडली है ये चुंबकीय क्षेत्र में लटकाई गई है। तो कुंडली जो है चुंबकीय क्षेत्र में लटकी है, इसलिए इस पर जो है एक विक्षेपक बलयुग्म कार्य करने लगता है। और जब विक्षेपक बलयुग्म कार्य करने लगता है तो कुंडली जो है ये अपनी स्थिति पर है घूमने लगती है। और जब कुंडली घूमने लगती है तो आप यहाँ पर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो कुंडली लटकाई गई है, ये जहाँ पर लटकाई गई है वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है बी। आप मान लेंगे कि जहाँ पर कुंडली लटकाई गई है वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बी है। इसके अलावा जो कुंडली का तल है अगर वो चुंबकीय क्षेत्र से जो है थीटा कोण पर है, और कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है एन, और कुंडली का जो क्षेत्रफल है वो ये, इतना आपको यहाँ पर मान लेना है। आप मान लेंगे यहाँ पर कि माना जो कुंडली का तल है वो चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर है, इसके अलावा कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है कैपिटल एन, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कैपिटल बी, और क्षेत्रफल ए है। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि जो विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण होगा वो होगा टाऊ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। तो विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण जो होता है वो इतना हो जाएगा यानी कि टाऊ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पर जो ये है ये विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण होगा। अब यहाँ पर जो ये धारा है यानी कि आई, इससे आप बता सकते हैं कि आई यहाँ पर जो है वैद्युत धारा है। अब इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर कुंडली जो है घूमती है, तो कुंडली घूमती है तो इसे लटकाने वाली जो यहाँ पर पत्ती लगी होती है, तो कुंडली के घूमने के कारण यहाँ पर लटकाने वाली पत्ती और इसके अलावा ये नीचे लगी स्प्रिंग दोनों में जो है ऐठन आने लगती है। जब कुंडली घूमती है तो स्प्रिंग और यहाँ पर लगी पत्ती में जो है ऐठन आने लगती है, जिसके कारण कुंडली में जो है एक ऐठन बलयुग्म कार्य करने लगता है। यहाँ पर जब पत्ती और स्प्रिंग इन दोनों में यहाँ पर ऐठन आने लगती है तो कुंडली पर जो है यहाँ पर एक ऐठन बलयुग्म कार्य करने लगता है। और यहाँ पर ये भी याद रखिएगा जो ऐठन का बलयुग्म होगा ये यहाँ पर जो है कुंडली के घूमने के कोण के अनुक्रमानुपाती होता है। और जब यहाँ पर विक्षेपक बलयुग्म का मान जो है वो ऐठन बलयुग्म के मान के बराबर हो जाता है तो यहाँ पर कुंडली जो है संतुलित हो जाती है। यानी कि आप बता सकते हैं कि संतुलन की स्थिति में विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण जो है वो यहाँ पर ऐठन बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होगा। और इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए आप इसमें बता सकते हैं कि धारा मापी के ध्रुव N और S को जो है बेलनाकार बनाकर, याद रखिएगा ध्रुव N और S को जो है बेलनाकार बनाकर कुंडली के भीतर जो है यहाँ पर एक नर्म लोहे की बेलनाकार क्रोड बनाते हैं। तो जो बेलनाकार क्रोड बना लेते हैं तो इससे यहाँ पर होता क्या है जो चुंबकीय क्षेत्र है वो त्रिज्य हो जाता है। यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर कि धारा मापी के ध्रुव N और S को बेलनाकार बनाकर कुंडली के भीतर नर्म लोहे की बेलनाकार क्रोड लगाकर चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्य बनाया जाता है। और त्रिज्य क्षेत्र में जो है कुंडली का तल जो होता है वो प्रत्येक स्थिति में कुंडली के समांतर होता है। यानी कि आप यहाँ पर बता सकते हैं कि फाई या फिर थीटा, फाई यहाँ पर जो होता है ये ऐठन का कोण होता है और थीटा यहाँ पर विक्षेपक कोण होता है। तो यहाँ पर इन दोनों का मान जो होगा
वो 90 स्थित होगा, यानी कि जब चुंबकीय क्षेत्र का मान त्रिज्य बना दिया जाएगा तो उस स्थिति में फाई या फिर थीटा दोनों के मान यहाँ पर कितने होंगे, 90। जब यहाँ पर ये दोनों के मान 90 होंगे तो इस स्थिति में आपको यहाँ पर याद रखना है कि जब त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र होता है तो उस स्थिति में वहाँ पर जो विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण होता है वो सदैव NIAB होता है। वहाँ पर विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा, NIAB। ये याद रखिएगा, ये स्थिति तब होगी जब यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्य बना दिया जाएगा, तो उस स्थिति में यहाँ पर विक्षेपक बल युग्म का जो आघूर्ण होता है वो होता है NIAB, इतना होता है। तो ध्यान दीजिए, इसमें आपको बताया गया कि संतुलन की स्थिति में सदैव विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण जो होता है वो ऐंठन बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है। तो ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर लिख सकते हैं विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण बराबर हो जाएगा यहाँ पर ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण, इतना यहाँ पर लिखेंगे। ये तब होगा जब यहाँ पर ये कुंडली जो है संतुलित हो जाएगी। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको बताया गया है यहाँ पर कि जब चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्य होता है तो उस स्थिति में विक्षेपक बल युग्म का जो आघूर्ण होता है वो सदैव NIAB, इतना होता है। और जो ऐंठन का बल युग्म का आघूर्ण होता है वो होता है C φ। यहाँ पर सी जो होता है ये ऐंठन बल युग्म होता है और फाई यहाँ पर ऐंठन कोण होता है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर यहाँ से हम लोग धारा का मान ज्ञात करें यानी कि I का मान, तो ये इधर बटे में आएगा यानी कि सी बटे यहाँ पर हो जाएगा NAB φ इस प्रकार से। तो यहाँ पर इतना जो होता है ये कांस्टेंट होता है, यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर सी बटे NAB बराबर कांस्टेंट, यानी कि ये यहाँ पर जो होगा एक नियतांक होगा। और जब ये नियत होगा तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं I बराबर K φ, यानी कि K जो है यहाँ पर क्या होगा वो एक नियतांक होगा। या फिर इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं I प्रोपोर्शनल टू φ, यानी कि जो धारा है वो ऐंठन कोण पर निर्भर करेगी, यानी कि धारा का मान जो होगा वो वहाँ पर ऐंठन कोण के अनुक्रमानुपाती होगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो अब एक बार आप सिद्धांत यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिए, यानी कि आपको सिद्धांत जो है किस प्रकार से लिखना है यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सेम इसी प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। आप यहाँ पर बताएंगे कि धारा मापी के दोनों संबंधक पेंचों को जो है किसी धारावाही परिपथ से जोड़ देते हैं। जब इसको हम लोग धारावाही परिपथ से जोड़ देते हैं तो कुंडली में जो है यहाँ पर धारा प्रवाहित होने लगती है, और यहाँ पर कुंडली जो है ये चुंबकीय क्षेत्र में लटकी होती है, इसलिए इस पर एक विक्षेपक बल युग्म यहाँ पर कार्य करने लगता है जिससे कुंडली जो है ये अपनी स्थिति में घूमने लगती है। और इसके अलावा इसमें आपको ये मान लेना है कि किसी क्षण जो कुंडली का तल है वो चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर है। इसके अलावा कुंडली में जो फेरों की संख्या है वो कैपिटल N है। इसके अलावा कुंडली का क्षेत्रफल कैपिटल A और चुंबकीय क्षेत्र जो है B है। जब इतना होगा तो यहाँ पर जो विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण होगा वो होगा टाउ बराबर NIAB sin θ। यहाँ पर I जो होगी ये वैद्युत धारा होगी। और इसके अलावा बता सकते हैं कुंडली के घूमने से इसके लटकाने वाली जो पत्ती और इसके नीचे लगी जो स्प्रिंग होती है इसमें ऐंठन आने लगती है, जिससे इस पर जो है एक ऐंठन बल युग्म कार्य करने लगता है जो कि कुंडली के घूमने का विरोध करता है। और यह बल युग्म जो है कुंडली के घूमने के कोण के जो है अनुक्रमानुपाती होता है। और यहाँ पर जब विक्षेपक बल युग्म का मान जो है कुंडली के ऐंठन बल युग्म आघूर्ण के बराबर हो जाता है तो यहाँ पर कुंडली जो है वो संतुलन की स्थिति में आ जाती है। और इसके अलावा आप यहाँ पर बताएंगे कि धारा मापी के ध्रुव खंडों N और S को बेलनाकार बनाकर कुंडली के भीतर नर्म लोहे की बेलनाकार प्रोड लगाकर चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्य बनाया जाता है। और त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र की जो स्थिति होती है, यानी कि आप बता सकते हैं कि इस स्थिति में कुंडली का जो तल होता है वो प्रत्येक स्थिति में कुंडली के समांतर होता है, और इस स्थिति में फाई या फिर थीटा यानी कि जो ऐंठन कोण और विक्षेपक कोण है इनके मान यहाँ पर कितने होंगे, 90। और यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति में विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण जो होता है वो सदैव यहाँ पर NIAB होता है, इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि संतुलन की स्थिति में विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण जो होगा वो ऐंठन बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होगा। इस प्रकार यहाँ पर ये ज्ञात कर सकते हैं I प्रोपोर्शनल टू फाई। यहाँ पर याद रखिएगा C बटे NAB जो आया है इसे बोलते हैं धारा परिवर्तन गुणांक। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसके अलावा क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था कि धारा सुग्राह्यता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो अब इसके लिए आप ध्यान दीजिए, तो धारा सुग्राह्यता, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर धारा सुग्राह्यता, तो धारा सुग्राह्यता को लिखते हैं SI से, इस प्रकार लिखा जाता है। और इसका सूत्र यहाँ पर होता है φ बटे I।
तो इस सूत्र के अनुसार आप यहाँ पर धारा सुग्राहिता की परिभाषा बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कि कुंडली की धारा सुग्राहिता कुंडली में प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप से मापी जाती है। याद रखिएगा, कुंडली की धारा सुग्राहिता कुंडली में प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप से मापी जाती है। इस प्रकार आप यहाँ पर बता सकते हैं। और इसके अलावा ध्यान दीजिए, और अभी आपको इसमें बताया गया था कि जो विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण होता है यानी कि NIAB, इसका मान जो होता है यहाँ पर ऐंठन बल युग्म के आघूर्ण के मान के बराबर होता है। ये आपको यहाँ पर बताया गया था। तो अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से आप NIAB इतना दिया गया है और बराबर में है C phi आप इधर ले आइए तो C यहाँ पर आ जाएगा और phi इस प्रकार से बटे में आएगा। तो अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ से अगर आप I बटे phi का मान ज्ञात करते हैं तो NAB इधर बटे में आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा C और बटे में हो जाएगा NAB, इतना लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर I बटे phi दिया गया, यहाँ से ज्ञात करें phi बटे I, तो इसका मान यहाँ पर हो जाएगा फिर NAB बटे C, ये इतना आएगा। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ से phi बटे I का मान रखेंगे इसमें तो ये हो जाएगा SI बराबर, इसकी जगह पे हो जाएगा NAB बटे C। तो इस प्रकार यहाँ पर ये जो है धारा सुग्राहिता के लिए व्यंजक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसी का यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि दो बिंदु आवेश, इसमें लिखा है +9E तथा +E, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश क्यू जो है कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको दो आवेश दिए गए हैं। एक आवेश आपको दिया गया है +9E और दूसरा आवेश दिया गया है +E। इनके बीच में जो है एक आवेश क्यू है जिसे कहाँ पर रखा जाए कि ये दोनों बल जो है संतुलन में आ जाए। तो अब ध्यान दीजिए, इसे हम लोग मान लेंगे कि 9E से इस आवेश को जो है x दूरी पर रखा जाए। ये मान लिया गया कि 9E से इस आवेश को जो है x दूरी पर रखा गया। तो ध्यान दीजिए, ये प्लस था, ये भी प्लस है, तो इसके कारण जो लगने वाला बल होगा इस प्रकार से, यहाँ पर ये F2 और ये वाला बल यहाँ पर हो जाएगा F1। एक बार इस आवेश के कारण ध्यान दीजिए यहाँ पर लगेगा तो प्रतिकर्षण बल, और इस आवेश के कारण यहाँ पर ये प्रतिकर्षण बल, क्योंकि दोनों धनात्मक हैं इसलिए धन होने के कारण प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो यहाँ पर ये दूरी मान ली गई है x। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है, तो टोटल दूरी आपको दी गई है 16 सेंटीमीटर। इतनी दूरी हम लोगों ने x मान लिया है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो दूरी बचेगी ये हो जाएगी 16 - x, पूरी दूरी से इधर वाला भाग घटा देंगे तो ये दूरी आ जाएगी इतनी। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिखेंगे कि माना क्यू आवेश को 9E से x दूरी पर रखा जाए। ये मान लिया गया है कि जो यहाँ पर ये क्यू आवेश था इसको 9E से जो है x दूरी पर रखा जाए, तो ये बल जो है यहाँ पर संतुलन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे संतुलन की स्थिति में, तो संतुलन की स्थिति में यहाँ पर F1 बराबर F2, यानी कि दोनों बल जो होंगे वो समान होंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, सूत्र होता है F बराबर 1/4πε₀Q1Q2/r2। तो यहाँ पर हम लोग इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, पहले F1, तो जब यहाँ से F1 ज्ञात करेंगे तो ध्यान दीजिए एक आवेश है आपका E और दूसरा आवेश है Q, और इनके बीच की दूरी है 16 - x। तो यहाँ पर जब F1 ज्ञात करेंगे तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिखेंगे 1/4πε₀, इसके बाद ध्यान दीजिए एक आवेश हो जाएगा आपका E, दूसरा आवेश हो जाएगा Q इस प्रकार से, और दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी 16 - x² ये इतना होगा। इसके बाद बराबर इसी प्रकार जब F2 ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ भी आपको लिखना है 1/4πε₀, एक आवेश हो जाएगा आपकी बार 9E और दूसरा आवेश हो जाएगा Q और दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी x, तो x² इस प्रकार से इतना लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, इससे ये कट जाएगा, इसके अलावा E से E कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, तो यहाँ पर ये आएगा 1/16 - x² बराबर यहाँ पर आएगा 9/x² इतना आएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसका हम लोग यहाँ पर वर्गमूल लेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको लिखना है वर्गमूल लेने पर, तो जब वर्गमूल लेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 ही आएगा, और 16 - x² दिया है तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 16 - x। इसी प्रकार इधर ध्यान दीजिए, 9 का वर्गमूल आएगा 3,
एक्स स्क्वायर का वर्गमूल आएगा एक्स, ये इतना आएगा। इधर हम लोग गुणा करेंगे तो एक्स से कम एक्स हो जाएगा बराबर, इधर गुणा करेंगे तो 16 × 48 माइनस इसका गुणा होगा 3x, ये इतना आएगा। ये वाला x इधर लाएंगे तो x प्लस 3x बराबर हो जाएगा 48 यानी कि 48। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर x और 3x ये दोनों जब जोड़े जाएंगे तो इसका मान आ जाएगा यहाँ पर 4x, और बराबर में आपको दिया गया है 48 यानी कि x बराबर हो जाएगा 48/4। तो जब 4 से इसको भाग करेंगे तो 4 × 4 = 4, 4 × 2 = 8 यानी कि x का मान आ जाएगा यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। तो x आपने माना था यहाँ पर Q आवेश को जो है 9E से x दूरी पर रखा जाए, यानी कि आप बता सकते हैं कि 9E से जो है 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए Q को, तो दोनों बल जो है यहाँ पर संतुलन में होंगे। तो इस प्रकार आप इसे यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।